अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं बाथू वाली रोटी। ये बाथू में उबाल के रखा हुआ है और प्याज और टमाटर काट के रखे हुए बिल्कुल हमारी ये सूखा धनिया और जीरा है और ये नमक नमक मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला ये मैं फ्रिज चल रहा है। आटा है गंदम का, ये और बेसन है, आधा किलो आटा डालेंगे। ये मैंने धनिया और जीरा से भाव से बनाया है। दादा ने ला के दिया है केक, दादा लेके गए थे उसके बाद से उन्होंने हम दिला भी दिखाओ थे के इधर आ गया। तकरीबन आधा किलो आटा और एक पाव चीनी ला दिए। अब ये बात है इसको बाथू कहते हैं हमारी जबान में, बथुआ कहते हैं। ये मैं डालू थोड़ा सा बॉइल किया, आधे घंटे बाद दोबारा गूंदो। इतने हम लोग गंदो पीस लेते हैं, इतने हम ये अपनी ग्राइंड कर लेते हैं, ये थोड़ा सा पानी लगा के रखते हैं। शेर है मैं दादी के पास काम करवा रहा है, शेर है मैं दादी के साथ काम करवा रहे हो अब दादी के साथ। खाना नहीं बनाने देना मुझे, खाना बनाने दे पापा के लिए, खाना बना। अरे अल्लाह जी, अपने नमाल मेरी जान, अपने नमाल, खाना बनाने दो दादी को, खाना बनाने दो प्लीज प्लीज, हाथ ना दो। आपकी पिटाई ना कर दूं मैं, पिटाई ना कर दूं मैं आपकी। दादी को खाना बनाने दो, चलो जाओ, चले जाओ आप, इधर उधर जाओ, खेलो जाओ, इतने शरीफ ना बनो, आप जाओ यहाँ से, चलो जाओ उधर जाके खेल के, चलो ड्रामा से। ये हमारा आटा बन गया, अब हम इसकी रोटी बनाने लगे हैं। जहांगीर आ गया, उसको भूख लग रही है, उसने रोटी खानी है और शमशेर हमें तंग करे जा रहा है। वो कह रहा है मुझे ही पकाने दो रोटी, वो कह रहा है कि मैंने पकानी है रोटी, पापा को रोटी मैंने देनी है, ये लो पका लो। हाँ ये लो, बना लो रोटी, रोटी बनाओ बनाओ, ये लो बस, चल भाग जाए बुरी बात, रोटी पका लेने दो मेरे जान, मुझे रोटी पका लेने दो मेरी छोनी, मुझे पका लेने दो रोटी, मुझे पका लेने दो रोटी,
ना करो हाय 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 नहीं बस जाओ भाग रहा बुरी बात दादी की रोटी पानी सोने दादा के पास चले जाओ दादा के पास चले जाओ दादा के पास चले जाओ अच्छा कुर्सी पे बैठ जाओ चल कुर्सी पे दादा बुला रहे हैं दादा के पास चले जाओ दादा बुला रहे हैं गंदा चूड़ा जाओ अल्लाह के बने चले जाओ सोने घर जाओ पकड़ लिया मैंने पापा गया सब चटनी बनाई है हमने ये हरी मिर्च की और लहसुन धनिया जीरा डाल के सब चटनी बनाई है और साथ हमने बनाया है दही का रायता ये वाला खाएंगे रोटी के साथ जहांगीर खाएगा आटा हो गया ढीला इसलिए ऐसी रोटी हो रही थोड़ा सा सख्त रखना था पहले जो हमने पकाई थी तो वो सख्त था आटा तो अच्छी बन गई थी अभी हमने जहांगीर के लिए बनाया आटा हो गया ढीला रोटी तो बनी जाएगी देसी घी बनाया हमने देसी घी से हम बना रहे हैं ये रोटी कुछ अच्छी है ये ऐसे रोटी को तलना है इसके साथ हल्की दबा दबा के आटे ढीले की वजह से रोटी ज़रा ख़राब हो गई है जो हमने इससे पहले पकाई थी वो सख्त आटे की थी तो वो सही बन गई थी वो हमने खा ली अब जहांगीर अब आया इसके लिए बना रही हूँ मैं जब हम जहांगीर को ले रहे हैं वो आपको खा के बताएगा कि कैसी लगी उसको ये इसकी चटनी के साथ जहांगीर खाएगा और आपको बताएगा ले जाओ जहांगीर ये लो ले जाओ रोटी अंदर खा लो बैठ के जहांगीर आ जाओ ले जाओ मम्मी के पास बैठी खाना हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे आज मम्मी ने मेरे लिए स्पेशली रोटी बनाई है कौन सी रोटी है ये बीसी रोटी ये है बाथू की रोटी बाथू की रोटी बनाई है मैं खुद पहली दफा सुन रहा हूँ देखते हैं फिर इसका टेस्ट करके कैसा लगेगा ये टेस्ट और आपको बताते हैं आ जाओ चुकी है और मैं रेडी हो गई मैं साफ़ती हो गई हम की रोटी आ गई बाद दिन दे रोटी पकाई है उमर को कहा एक मिनट फिर गाइस रोटी बनके तैयार हो गई है और अब हम खाने लगे हैं अब हम रोटी खाएंगे और टेस्ट करके बताएंगे ओके तो हम अभी स्टार्ट करते हैं क्या हुआ ये लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत आला बनी है बहुत मजे की बनी है
मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अच्छी बनेगी, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। जबरदस्त, इतना जबरदस्त। नेक्स्ट व्लॉग में आपको कोई नई रेसिपी, कोई एक्साइटिंग चीज़ या कुछ भी अच्छा सा दिखाएंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़।